नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। आज के टॉप 5 में पांच बड़ी खबरों पर बात करेंगे। उन पांच बड़ी खबरों में क्या कुछ होगा, उससे पहले नजर डालिए उनकी हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 1 जून तक बड़ा कोविड कर्फ्यू, आवश्यक दुकानें 8 बजे से 11 बजे तक रहेंगी खुली। उत्तराखंड के लिए राहत की खबर, 40 दिनों में पहली बार सबसे कम मामले। पिछले 24 घंटों में 2071 कोरोना के नए केस, 3 गुना से भी ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड में स्थानांतरण सत्र हुआ शून्य, ट्रांसफर न होने पर कई कर्मचारियों में मायूसी। जुलाई के पहले हफ्ते में हो सकती है उत्तराखंड बोर्ड की इंटर की परीक्षाएं, बहुविकल्पीय प्रश्न पैटर्न पर किया जा रहा है विचार। एलोपैथी पर विवादित बयान के बाद फिर सुर्खियों में बाबा रामदेव, IMA और फार्मा कंपनियों को लिखा खुला खत, पूछे 25 सवाल। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इस टॉप 5 में उत्तराखंड में लगे कोरोना कर्फ्यू की। उत्तराखंड में पिछले कई हफ्तों से कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ है। इस कोरोना कर्फ्यू का असर भी अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती जा रही है। हर दिन जो कोरोना के नए मामले आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। इससे ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस कोरोना कर्फ्यू का असर भी हो सकता है देखने को मिल रहा हो। लेकिन क्या इतना ही बहुत रहेगा? क्या जितने मामलों में गिरावट आ गई है उतने से हमें खुश हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सरकार ने भी यही कहा है और इसी के चलते जो कोरोना कर्फ्यू 25 मई को समाप्त हो रहा था उसे बढ़ा करके 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि अब उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 1 जून तक रहेगा। कल भी हमने आपको बताया था, हमने आपको बयान सुनाया था कि शासकीय प्रवक्ता जो है सुबोध उनियाल, उन्होंने क्या कहा था। तो अब इस कोरोना कर्फ्यू को उत्तराखंड में 1 तारीख तक यानी कि 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस कोरोना कर्फ्यू में क्या रहेगा? लगभग ठीक उसी तरह से कोरोना कर्फ्यू चलता आएगा जैसा कि पिछली बार से और आज के दिन तक चलता आ रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। हालांकि इस मरतबा आंशिक रूप से इसमें संशोधन जरूर किया गया है। इस बार फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध की दुकानें या फिर बेकरी उत्पादन की दुकानें जो कि आवश्यक दुकानें हैं, जो हर दिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलती थी व्यापारियों की मांग पर, अब इनका समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा जो परचून की दुकान है, क्योंकि जो जनरल स्टोर और परचून की दुकान को हफ्ते में सिर्फ एक बार खोलने का आदेश दिया गया है, जिस तरह से पिछले 2 कोविड कर्फ्यू में आपने देखा होगा कि हफ्ते में सिर्फ एक ही बार ये तमाम दुकानें, परचून की दुकानें और राशन की दुकानें खुली थी, तो इस बार इसका दिन 28 मई को नियत किया गया है। यानी कि 28 मई को सुबह 8 बजे से और दोपहर 12 बजे तक जो जनरल स्टोर हैं, ग्रॉसरी स्टोर हैं, परचून की दुकानें हैं, वो खुल पाएंगी। इसके अलावा इस दौरान जरूरी वस्तुओं की खरीद और आवाजाही की छूट रहेगी जैसा कि रहता ही है। तो कोविड कर्फ्यू का तीसरा दौर अब शुरू हो चुका है उत्तराखंड में। सरकार ने कुछ एक इसमें छोटे से संशोधन किए हैं जो मैंने आपको बताया है। दुकानों के खोलने का समय बदला गया है, 28 तारीख को परचून की दुकान खुलेगी। तो ये आंशिक परिवर्तन किए गए हैं और कोरोना कर्फ्यू 1 तारीख तक बरकरार रहेगा। यानी कि बाकी जो पाबंदियाँ चलती आ रही थी वो चलती रहेंगी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने ये कहा है कि हालांकि कुछ गिरावट देखने को मिली है कोरोना के नए मामलों में, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्कता अभी भी बरतनी चाहिए। उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अपील और उम्मीद आपसे भी हम यही करेंगे कि आप भी खुश ज़्यादा ना हो। कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे के कोरोना अपडेट की, यानी कि उत्तराखंड का कोरोना अपडेट पिछले 24 घंटे के दौरान क्या रहा, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया है 1 तारीख तक। अभी भी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 40 दिनों में ये सबसे कम आंकड़ा पिछले 24 घंटों का आया है। यानी कि पिछले 40 दिनों में इतना कम आंकड़ा कभी नहीं आया था जितना कि पिछले 24 घंटे में आया है। कितना वो आंकड़ा रहा है? पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2071 नए मामले सामने आए हैं। ये पिछले 40 दिनों में एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। इससे पहले 14 अप्रैल को ही मरीजों की संख्या 1953 रही थी और इसका अब जो कल पिछले जो 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए उसमें एक पॉजिटिव बात ये है कि 7051 मरीज ठीक हुए हैं। यानी कि जितने नए केस आए हैं उससे 3 गुना ज़्यादा मरीज पिछले 24 घंटे के अंदर ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़ चुकी है, 80.69% हो चुकी है। सक्रिय मामले अब घटकर के 50,000 से भी नीचे आ चुके हैं और राज्य में अब तक 3,15,590 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 2,54,654 मरीज ठीक हो चुके हैं और फिलहाल 49,579 एक्टिव केस उत्तराखंड में है। 6.45 संक्रमण की दर है। तो सोमवार की जो स्थिति रही है उसमें 32,092 सैंपल की जाँच रिपोर्ट मिली है। यानी कि 32,000 सैंपल की जाँच की गई है, इसमें से 30,000 की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है।
और बाकी के 2000 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है 6.45। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट उत्तराखंड में है, तो ये कहा जा सकता है कि पिछले 24 घंटों में भी एक बहुत बड़ी राहत देखने को मिली है जो कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके चलते ये कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे उत्तराखंड में कोरोना क्या काबू में आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक फंगस लगातार चिंता भी बढ़ा रहा है। प्रदेश में जिस तरह से ब्लैक फंगस के केस सामने आ रहे हैं वो एक चिंता की बात भी हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रांसफर्स की। कोरोना महामारी के चलते लगातार प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं वो सभी देख रहे हैं, और पिछले साल भी कोरोना की स्थिति बरकरार थी, इस बार भी कोरोना की स्थिति बरकरार थी, तो इसके चलते राज्य सरकार ने अब दूसरे साल भी जो तबादला सत्र है उसे शून्य घोषित कर दिया है, यानी कि ट्रांसफर्स नहीं होंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो कार्मिक विभाग ने 19 फरवरी को प्रत्येक संवर्ग में 10% अथवा चुनावी आचार संहिता के अनुसार तबादले करने के लिए आदेश दिए थे। विभागीय स्तर पर तबादला प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। अब शासन आदेश में क्या कहा गया है वो भी सुन लीजिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, इसके चलते राज्य में अधिकांश जिलों में कोविड कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है, और इन परिस्थितियों में राज्य की आर्थिक गतिविधियां बंद होने से इसका प्रतिकूल प्रभाव इस पर पड़ा है। तो इस सिचुएशन में एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करने से संक्रमण की आशंका भी बढ़ सकती है, इसलिए जो फिलहाल ट्रांसफर है या फिर तबादले हैं उन पर रोक लगा दी गई है। अब यह भी कहा गया कि स्थानांतरण अधिनियम के तहत अधिकारी या फिर कर्मचारी या फिर विभाग को किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो उसके निराकरण के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव स्थानांतरण समिति को कार्मिक विभाग के माध्यम से भेजे जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षक और कर्मचारियों की जो उम्मीदें थी वो ट्रांसफर से काफ़ी ज़्यादा थी, ऐसे में अब उनकी उम्मीदों को भी झटका लगा है। कई लोगों में मायूसी भी देखने को मिल रही है। सुगम इलाकों में तबादले के आस को लेकर कई लोग थे पिछले साल भी, इस साल भी इनमें शिक्षकों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में उन लोगों को भी एक बड़ा झटका लगा है। तो ट्रांसफर सत्र यानी कि स्थानांतरण सत्र कोरोना के चलते शून्य हो चुका है। तो चलिए बात कर लेते हैं ट्रांसफर के बाद उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाओं की। उत्तराखंड में बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कब हो इसको लेकर लगातार माथापच्ची चल रही। इसी बीच खबर ये है कि अगले महीने जून के या तो आखिरी में या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस संबंध में अंतिम फैसला जल्द से जल्द यानी कि 1 जून तक अंतिम फैसला देने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा किस पैटर्न पर करवाई जाएगी इस पर भी विचार किया जा रहा है। जो पैटर्न चलता आ रहा है, जिस पैटर्न पर परीक्षा हो रही है बोर्ड की, क्या उसी पैटर्न पर करवाई जाएगी या फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों के पैटर्न पर करवाई जाएगी, यानी कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं जिनमें ऑप्शन होते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, उन पर करवाई जाएगी, तो इसको लेकर भी माथापच्ची लगातार चल रही है। हर चीज़ पर गौर किया जा रहा है, तो विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस पर फैसला आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की अध्यक्षता में विधानसभा में सोमवार को एक बैठक हुई थी, ये विभाग के अधिकारियों की बैठक थी। बैठक के दौरान 12वीं की परीक्षा के संबंध में चर्चा की गई। सहमति ये बनी कि कोरोना काल में छात्र छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये परीक्षा करवाई जाएगी, और इसमें जो परीक्षा के केंद्र है प्रदेश में वो केंद्र भी बढ़ाए जाएंगे ताकि शारीरिक दूरी का पालन वहाँ पर करवाया जा सके। इसके साथ ही केंद्र तो बढ़ेंगे, शिक्षकों के भी टीकाकरण पर विचार किया गया, और ये कहा गया कि जल्द से जल्द ये तय किया जाए कि बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जुलाई के पहले हफ्ते में इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाएं उत्तराखंड में हो सकती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर एक विवादित बयान दिया जिस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने इस बयान को वापस भी लिया। उस पर विवाद थमा ही था कि एक बार फिर से बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर सवाल उठा दिए। सोमवार को बाबा रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA और तमाम फार्मा कंपनियों को एक खुला खत लिखा है। इस खुले खत में बाबा रामदेव ने 25 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पत्र में एलोपैथी को लेकर कई सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि जो डॉक्टर हैं और जो फार्मा कंपनियां हैं वो इसके जवाब दें, ये चुनौती बाबा रामदेव उन्हें दे रहे हैं। इस 25 जो क्वेश्चन बाबा रामदेव ने रेज किए, जो प्रश्न उठाए हैं, उनमें बाबा रामदेव ने कहा है कि एलोपैथी सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर बीमार नहीं होने चाहिए, वो क्यों होते हैं। बाबा रामदेव ने पूछा कि BP type 1, type 2, डायबिटीज़, थायराइड जैसी बीमारियों को लेकर उनके पास क्या स्थायी समाधान है। एलोपैथी के पास फैटी लीवर या फिर लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को ठीक करने के लिए क्या मेडिसिन है, फार्मा इंडस्ट्री में के पास इन तमाम बीमारियों को लेकर क्या समाधान है। तो ये 25 सवाल बाबा रामदेव ने एक बार फिर से एलोपैथी को लेकर उठाए हैं। आपको याद होगा इससे पहले विवाद काफ़ी ज़्यादा हुआ था, तो कल बाबा रामदेव ने एक पत्र लिखकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से इस संबंध में अपने बयान पर खेद भी जताया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एलोपैथी की स्टूपिड पद्धति है एलोपैथी, और
जो डॉक्टर खुद को नहीं बचा पा रहे हैं वो दूसरों को क्या बचा पाएंगे, इस तरह के बयान बाबा रामदेव ने पिछले कुछ दिनों में दिए हैं, जिस पर उन्होंने खेद भी जताया है। लेकिन चौतरफा आलोचना बाबा रामदेव के इन बयान की हो रही है। तमाम जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं उनसे बाबा रामदेव से पूछ रहे हैं, जब आप एम्स में भर्ती थे उस वक्त आपने एलोपैथी का उपचार क्यों लिया? लेकिन मामला यही खत्म होता तो भी ठीक, लेकिन अब आगे 25 सवाल बाबा रामदेव ने पूछे और चुनौती दी है IMA को, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, और डॉक्टर्स को और फार्मा कंपनियों को, कि वो इन 25 सवालों के जवाब दें। ये चुनौती बाबा रामदेव ने दी है। ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट करके। कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक ये जानकारियाँ पहुँचाइए, और फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप भी सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।